न्यू तो बेरा नहीं भाई, कांच टूटना शुभ हो है किसी काम की शुरुआत में, लेकिन आप इन बातों ने कमे मान्या करा। मोहित नाज ये नुकसान तो करे दिया। आगे व्लॉग में दिखावांगे क्यों करके बनी, सबेरा उठ दी है मुंह धोने खातर टैप चलाई लेकिन पानी को नहीं आया। मखा मोहित एक बार ऊपर तक का गेड़ा मार के आना पड़ेगा, कदे टंकी खाली हो। मोहित भी आंख मसलदा चाल पड़े ऊपर और ऊपर जाके टंकी खोल की देखी तो ठाडी भरी थी, शायद रात ने खत्म होया होगा पानी और ये टूटी हवा लेगी इस वजह। फ्रिज में शिमला का एक पहाड़ जितनी बर्फ जम रही थी इसलिए कल डी फ्रोज पे लगा था। रात ने सवेरे उठे तो सारी बर्फ पिंगली पाई, या तो आते ही काट दे नहीं तो ये पूरा दिन टप टप पानी टपकी जाएगा, यो फर्श साफ कर दे रहे। इतनी देर में हमारी आंटी भी आ गई थी और कचरी ले रखी थी, मगर आंटी कचरी की चटनी खावांगे आप और साथ में आंटी ने बनाई गिया की सब्जी, हम दोनों भी इतने नहा धोगी रेडी हो गए क्लिनिक जान खा। कचरी की चटनी मैंने चाक की देखी तो भैया कसूती कड़वी निकली, क्योंकि वो कचरी आंटी ने सीधी गिर दी बिना चाखे और उसमें एक आधी कड़वी होगी जहर जिसी बन गई। अपना खाना पैक कर जोड़े झंडे ठाए और पुची ने लेकर लिकड़ लिया हम क्लिनिक की साइड, क्योंकि आज हमारा बाबा आ लिया है काशी तो उल्टा पुची ने उसका दौरे छोड़ के आवांगे। इस पे पहुंचे थे और हमारे प्यारे फॉलोवर हमारे तक मिलन आगे बारे खड़े थे ये क्लिनिक के, और भाई पुंडरी साइड आ रहे थे बोले जी स्पेशली आ रहे हैं आप तक मिलन। दादी ने आना था और दादी का पहले फोन आ रहा था, ऊपर बैठे थे मैं चली गई ऊपर, दादी और तक मिली, फिर दादी ने बताया की भाई इनका कंधे में घना दर्द हो रहा है। मैं कहा चलो फिर ऊपर बैठे थे क्यों, नीचे चल के अपना थेरेपी कराओ। एक बात और बता दू, अपने क्लिनिक का मुहूर्त है 6 तारीख ने संडे वाले दिन 11:30 बजे साथ में मीटअप धरा, चाचा श्री भी आन लाग रहे हैं तो पहुंच जाइयो ना दोगी जमा टेंट पेंट होगी। कमेंट में न्यू ना गई होगी मारती न्योंदा कौन दिया, मैंने सबका न्योंदा दे दिया। दादी ने नीचे ले जावा और जान दिए मोहित इनकी थेरेपी शुरू कर दे है, कंधे में शायद झटका लग गया दादी का और मैं साथ में करूँ अपने लेजर के पेशेंट जो आ रहे थे उन अटेंड। लेजर के बहुत सारे बेनिफिट है, स्पेशली अगर आपका मुंह पे अनचाहे काले बाल आ रहे हैं और आप इनका छुटकारा पाना चाहो, फुल बॉडी लेजर भी आप करा सको, हाथ पैर अंडर आर्म सब जगह। लेजर के बाद हाइड्रा फेशियल की अपॉइंटमेंट थी काफी सारी और भाई एडवांस हाइड्रा फेशियल फिलहाल ऑफर भी चल रहा है अपने क्लिनिक पे और बहुत अच्छा फेशियल है, अगर आपके घर में कोई फंक्शन आने वाला है इंस्टेंट ग्लो देगा मुंह पे। मैं हर व्लॉग में नंबर मेंशन करूं क्लिनिक का, उड़ जाके आप फोन कर सको हो अगर कोई जानकारी लेनी है आपने, और क्लिनिक का एड्रेस है अपना बिल्कुल कोर्ट के सामने, डॉक्टर सोनिया नैन होम्योपैथी एंड स्किन केयर क्लिनिक। अपने पेशेंट देखे थे और उसके बाद फिर तो हमारे कुछ लोग मिलन आ जाए, इनते मिल की बड़ी खुशी हो है भाई हमने, और फिर हम खाने की तैयारी कराए थे, मोहित द्वारा फोन करा था और मोहित आवे जब तैयार होया मखाज न्यू क्यूकर बोले तन्ने कौन पूछे ओपनिंग पे, मेरी ये तो पूछ होनी है, मैं अपने दाढ़ी बाल सेट करवाने जा रहा था तड़के का, दादो को नहीं मखा तू ये कटवाया हुआ, मेरी मम्मी न्यू हमने दोबारा उल्टे ले जाया कर दी, चलो कटवा की लाऊंगी तम तो किम्मे कौन कटवा की है। मैं 2 थप्पड़ मारे अगर दी वे न्यारे रोन दे तो फिर 2-4 और मार दी, ना काम हो लिया था खत्म। ऊपर जाके मैंने देखा की मोहित लेके आ रहे अपने कारपेंटर ने और बताने लग रहा है की स्टेबल में के चेंजेस करने हैं। छुट्टी का टाइम हो गया था आज तो जल्दी छुट्टी करी हमने 4 बजे और सीधे पहुंच गए अपने नए क्लिनिक पे देखने खातर की के काम होने लग रहा है। वैसे वॉल पेपर आले लाग लेने थे लेकिन धूल का काम खत्म नहीं हुआ इस वजह से वे वापस चले गए, कल ना आवेंगे। इंटर भैया जो थे ये रगड़ाई करन लाग रहे थे, खत्म हो लिया इनका काम और ई बनन लाग रही है फार्मेसी अपनी। और मोहित मेरे तीन बोले आज तने दिखाऊंगा क्यूकर दवाई सेट होवेंगी इसमें। पहले जो अपना पुराना क्लिनिक है उस पे अलमीरा थी अलग था फार्मेसी खातर, लेकिन वह बहुत भारी है तो हमने डिसाइड करा की कुछ अलग तरीके से बनवाई जाएंगी। संदीप भी आ रहा था भाई, संदीप डेली एक आधी बोतल तो फोड़ा करे क्योंकि हमारी ये सारी दवाई वाली बोतल कांच की होया करे, संदीप थी आई दायत दिंदा मोहित यो शीशा डाल की दिखाओ था इसमें कि यो न्यू सेट होगा। रानी इसका ध्यान किस साइड था, पैर ते नीचे या लकड़ी हटाई और यो शीशा जब वे नीचे गद्दे सी आगे पड़ा चकना चूर हो गया, खूब हंसी आई हमने सारे ने। मगा संदीप ने मन मन में बद्दुआ दी है तेरती जो तू इसने कहन लाग रहा था ना कि यो शीशी फोड़ा है डेली। मोहित ने थोड़ी देर तो एक्सप्लेन करा कि मेरा पैर लाग गया, मेरा ध्यान कौन था हाथ में तो फिसल गया, मखाई तो तू किम्मे कहीं जाए एक शीशे का नुकसान तो करे। जब हम पिछला क्लिनिक चेंज करके आए थे ना जो हमारा पहली था मेन बाजार में, उसके बाद जब ई वहां उड़ाए उड़े भी मोहित ने एक बड़ा शीशा फोड़ा था, वह बात तो आज तक हम भूले कौन थे। एक नया अध्याय जुड़ गया इसकी कहानी में, इबिया भी कई दिन कौन भूला, रोज बताया करांगे इसने। देख देख के अपना क्लिनिक ने चाल पड़े घर की साइड, नीचे पहुंच गई दीदी के पास हाय हेलो करण, और दीदी बनाने लग रही थी दाल और वो भी मिट्टी की हांडी में। बस 2 दिन का टाइम है और घनी सारी शॉपिंग करनी है, कितने चेयर लेके आनी है, कितने मोहित के कपड़े ठा के लाने हैं, और भी बहुत सारा क्लिनिक का सामान हमने लिस्ट बना रखी है वो लाना है। मोहित और मैं दोनों जने चाल पड़े, टाइम तो बचता को नहीं, मोहित लेट आवे क्लिनिक पर ते वहां कोई दुकान तो खुली पावेगी आपने। वैसे तो मोहित के कपड़े लाने थे, मोहित ने बोला ना कोई जरूरी को नहीं तड़का ठा लेवांगे, पहले आप चेयर देखन चलना, पेशेंट चेयर नहीं लेके आनी है अपन, पहुंच जावा सीधे चेयर की दुकान पे। और हमारे आर्किटेक्ट भैया ने हमारा द्वारा कुछ ऑप्शन भेज रखे थे कि इस टाइप की आप देख लियो उड़ जाके। एक तो दुकान में नजर मारी लेकिन जो
आपा ने चाहिए था उस टाइप का आर्टिकल आपा ने पाया नहीं, फिर इनकी शॉप पे पहुंचे या वह दुकान है जिस पर वह बड़ी कुर्सी धरी है। जाके इन भैया तो फोटो दिखाई कुर्सियां की इस टाइप की चेयर चाहिए, और इनके पास तो बहुत सारा स्टॉक था इस टाइप की, बहुत सारी वैरायटी थी। फिर मैंने राहुल थी बड़ी वाली चेयर दिखाई, मैं राहुल इस पे बैठ के देखा, आज पहली बार ये छोटा लग गया, नहीं तो नॉर्मल चेयर पे बैठा तो ये ऊंचा ही लग गया। अगर मखा उतर ले जो काम करना आए हैं वो कर ले, फिर और भी गणे हैं, मार्केट बंद हो जाएगी इतने हम ना अड़ा गणी है चेयर देखी, और फिर हम कसुत्ते कंफ्यूज हो गए कि इन दोनों में तो कौन सी पसंद करी जाए। ऐसे तो यह ग्रे वाली पसंद थी सब कह, लेकिन दोनों में तो ऑप्शन था अपने पास, तो हम भी बताइयो कमेंट में तुमने कौन सी सुथरी लगी। एक चेयर हमने रिसेप्शन खातर भी लेनी थी और रिसेप्शन टेबल थोड़ी सी ऊंची बनवाई है, इस वजह से ऊंची वाली चेयर देखी हमने इन दोनों में, एक हमने फाइनल कर दी। बहुत देर सोच विचार करने के बाद हमने आखिरकार इन कुर्सियां की फोटो भेजी हमारे आर्किटेक्ट पास, और उन नहीं मैं तो एक फाइनल कर दी। बोले लेकिन भैया मैं कल आऊंगा जब भी लेके आवांगे आप। चलो यो काम तो हमारा पूरा नहीं हो पाया, बाहर निकले तो देखा कि मार्केट आधी बंद हो ली, मकाई कुछ नहीं हो सकता, घर का नहीं हो लो अपने, तड़के दिन में टेम से आना पड़ेगा शॉपिंग करनी है तो। घर ने पहुंचने दे पहली रास्ते में हमने भोजाराम के पैक करवा लिए थे अपने दही बल्ले, क्योंकि दही बल्ले सब नए पसंद हो हैं, इनके दही बल्ले का टेस्ट भी घना एंडी है, वैसे तो इनकी सारी ये मिठाई बढ़िया है, आपने तो सवामणी भी इन पे उतरवानी है। जानती है बैठ के हमने मारे कई देर बत्ते और फिर खाए अपने दही बल्ले, टेस्ट वास्तव में ही बढ़िया था इनका। एक बार दोबारा याद दिवा दू, 6 तारीख संडे ने सुबह 11:30 बजे अपना मीटअप भी है, हवन भी है, ओपनिंग भी है, तो सबने जरूर पहुंचना है। उस दिन चाचा श्री भी आने लग रहे हैं। तो जी इसी के साथ आज का व्लॉग खत्म करा हाँ, जयराम जी की व्लॉग ने शेयर जरूर करियो बढ़िया लग गया हो तो, और अपने चैनल ने फॉलो कर लियो ताकि सारी अपडेट आपने मिलती रहे।